द ट्रम्पेट क्लब, सर रिचर्ड स्टील। इस ऐसे के अंदर जो हमारे ऑथर है वो बताते हैं कि कैसे वो पूरे दिन के थके जो होते हैं इतनी ज़्यादा स्टडी करने के बाद किस तरीके से अपनी नींद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नींद पाने के लिए वो क्या प्री रिक्वायरमेंट करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अच्छी नींद पाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। कन्वर्सेशन कहाँ करते हैं, द ट्रम्पेट क्लब में। ये एक प्री रिक्वायरमेंट है फॉर गोइंग टू द बेड, ठीक है। पहले क्या थे, इस क्लब के अंदर 15 मेंबर हुआ करते थे, 15 मेंबर थे उनके साथ, लेकिन अब सिर्फ 5 बचे हैं जिसमें से ऑथर एक है, ठीक है। बाकी के 4 सर जॉफ्री नॉच हैं, मेजर मैचलॉक है, डिग रिप्टाइल है और बेंजर हैं। इस पूरे ऐसे के अंदर जो हमारे ऑथर है वो डिस्क्राइब करेंगे इन सब की एक्टिविटीज़ के, वो रोज़ क्या क्या एक्टिविटी करते हैं क्लब के अंदर। द ओल्डेस्ट मैन, जो मेन मैन होता है ना, जो बैठा रहता है, यानी कि जो आग होती है बीच में लगाई होती है, उसको किस तरीके से जलाना है, क्या करना है, इसका काम उसके लिए, तो वो मेन होता है, बातें करता है, ठीक है, मेन है वो। और वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और एक बार के अपने किस्सा बताता है कि वो जब कॉन्टिनेंट में था तो उसने क्या किए थे, जीते थे 500 पाउंड्स, लेकिन जब वो यंग था तो उसने लूज कर दिए थे 2000 पाउंड्स, ठीक है। जो हमारा सेकंड सीनियर मेंबर है वो है मेजर मैचलॉक, ठीक है। मेजर मैचलॉक हु सर्व्ड इन द सिविल वॉर ऑफ 1642-49, ठीक है। सो उसने क्या किया था, सिविल वॉर में काम कर रखा है, और रोज़ इवनिंग को क्या करता है, अपनी जो हीरोइक डीड्स है, बहादुरी के किस्से, सेम किस्से हमें बताता रहता है। तो थर्ड मेंबर है वो हमारा डिग रिप्टाइल, वो गुड नेचर का है, ठीक है। बहुत प्यार से बातें करता है सबसे, मतलब ज़्यादा नहीं बोलता, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जब वो क्या करता है, कन्वर्सेशन के बीच में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, ठीक है। और वो आता है अपने एक 18 ईयर्स का अपना ओल्ड नेफ्यू है उसका जैक, उसके साथ आता है, ठीक है, ताकि वो जैक को इसलिए लेके आता है ताकि वो भी बड़े लोगों की बातों को समझे, ठीक है, दुनियादारी को समझे, इसलिए वो भी उसके साथ अपने साथ उसको लेकर आता है। जो हमारा फोर्थ मेंबर है वो है हमारा बेंचर, वो क्या करता है, रोज़ कुछ पोएम्स की लाइन्स को ना फिट कर देता है अपने कन्वर्सेशन के अंदर और फिर हमें सुनाता है, और उसका जैक के प्रति बहुत लगाव है, ठीक है, ऐसा वो दिखाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट मेंबर है वो हमारा ऑथर है, ठीक है। ऑथर हमारा लास्ट मेंबर है और वो बताता है कि लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो ज़्यादा, ठीक है, उसको बातें कुछ ना कुछ पता है, लेकिन दुनियादारी के बारे में ऑथर को कुछ नहीं पता है। ऑथर क्यों आता है वहाँ पे, इसीलिए आता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो रात को अच्छी नींद प्राप्त कर सके इन सब की बोरिंग बातों से, ठीक है। और एक्चुअली जो हमारा क्लब होता है वो 6 o'clock पे कंटिन्यू होता है और रात 10 night तक वो चलता रहता है, ठीक है। वन डे क्या होता है कि ऑथर लेट हो जाता है थोड़ा, ठीक है, तो वो सोचता है कि यार मैं तो नेस्बे की कुछ बैटल्स की बातें मिस कर दी, डिस्ट्रिक्स की कुछ पोएम्स की लाइनें मिस कर दी, ठीक है। वो बताता है कि इस बहुत सारी यूज़लेस बातें, लेकिन मेरे तो काम अच्छा है, ठीक है, मेरे को तो नींद आ जाती है इससे, ठीक है। तो आखिर में वो कुछ एक वैल्यू पॉइंट बताता है कि आजकल की जो ओल्ड जनरेशन है उनको अपने पास कुछ ऐसी बातें इकट्ठी करनी चाहिए, ठीक है, ऐसी बातें उनके पास होनी चाहिए, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आज के जो यूथ लोग हैं अगर उनको बताए कुछ ऐसी बातें इंटरेस्ट से वो भी सुने, उनको नींद ना आए, वो बोरिंग ना हो, मतलब वो बोर ना हो, ठीक है, इंटरेस्ट ले। ये वैल्यू इस पूरी जो हमारा द ट्रम्पेट क्लब है इसके बारे में मेन वैल्यू यही है कि आज की जनरेशन, ओल्ड जनरेशन है जो हमारी, वो कुछ अच्छी बातें न्यू जनरेशन को बताए, ताकि वो बोर ना हो, इंटरेस्ट से उसको सुने, कुछ सीखे।